छोटा भाई है वो बटेर की फार्मिंग कर रहा है। वेरी नाइस। तो वो फिर मैं प्रोफेशनली शेफ हूँ। तो फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि जब फार्मिंग कर रहे हैं तो फिर क्यों ना अपनी रेसिपी करके लोगों को बटेर खिलाया जाए। वेरी नाइस। क्योंकि बटेर सिर्फ आपको बूफे वगैरह मिलता है जो वहाँ बहुत एक्सपेंसिव है। जो बात है, जो तो हमने इसलिए लोकल स्ट्रीट पे इसको लेकर आए हैं, लोगों को बहुत मजे के तीन फ्लेवर्स में दे रहे हैं। पहले तो चिकन खाती होंगी मम्मा, पर चिकन बना के देती होंगी। yes. तो बटेर कैसा लग रहा है? डिफरेंट लग रहा है, अच्छा लग रहा है या फिर वो सही है? अच्छा लग रहा है और डिफरेंट है। हाँ, अच्छा लग रहा है, डिफरेंट है, जूसी है थोड़ा सा चिकन से। yes. है ना? अब मम्मा से कहिएगा घर में जाके ये बना के देंगे आपको। तो इसलिए सुनकर मैं काफी दूर से गुलशन से मैं यहाँ पर आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सर्दी जो है ना वो बहुत ज्यादा कुछ लग रही थी, तो मैंने सोचा कि यार फिश तो बहुत हो गई है, बटेर खाते हैं। बटेर और फिर स्ट्रीट फूड पे वो भी बटेर एंजॉय करें। और भाई स्पॉट भी अंदर, अब गुलशन से बाहर आ गए। बैकग्राउंड पे पिज्जा मैक्स का नजर भी आ रहा होगा, उसके बिल्कुल फ्रंट पे मौजूद है बटेर हाउस। और इनके पास जो है ना बटेर के आपको ग्रिल, फ्राई, चरखा स्टाइल सारे मिल जाएंगे। मैं आपको पहले कार्ड पे जो बटेर सजे हुए हैं ना वो आपको दिखाता हूँ क्लोजली, ये चेक करें, ये देखें। ये अब्दुल्ला, ये क्या इरादा है फिर? इरादा तो यही है कि मैं ये जो है सारे बटेर का हर एक एक चीज चरखा भी फ्राइड। अगर मैंने इसको उठाया तो इसका हाथ टूट गया। चेक करें, चेक करें, बहुत नाजुक से सूरत हाल है, बहुत नाजुक सूरत हाल है मगर बहुत सॉलिड है। अच्छा, ये खा पेट भरने के लिए नहीं है ये, एज अ रिफ्रेश आप इसको एज अ स्टार्टर जो है वो बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं। ऐसा ही बिल्कुल। और इनकी मैरिनेशन भी दो तीन टाइप्स की है। हाँ, ऐसे तो मेन्यू में इनके हमारे जो अब्दुल आदिल की एक्सक्लूसिव कॉम्बो चल रहा है ना, कॉम्बो चल रहा है, टू विंग्स हैं इसमें, आप टू बटेर, दो बटेर ले लें कोई से भी विद वन लिमका, सिर्फ 410 रुपए में। जबरदस्त। भाई यहाँ खा भी रहे, उनसे ले लेते हैं एक। ये देखिए, ये देखिए, अरे जबरदस्त, माइक लगा देते हैं। परमिशन ले लिए मैंने इनसे, पूछ लिया। ये माइक देते हैं भाई को। अस्सलाम वालेकुम यार, आप खाने में डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे? मैं अगर आपसे जरा इनसे इनसे बात भी कर लेते, मुझे बताइएगा कि अभी आपने क्या अभी फ्राई फ्राई ट्राई कर रहे हैं? मैंने इनका प्लेटर लिया है, इसमें फ्राई भी है और जो है चरखा टाइप भी है जी, और वो ग्रिल अभी हो रहा है तो वो मैं ग्रिल अच्छा, ट्राई करूंगा। इनका मैंने बहुत नाम सुना था, तो मैं गुलशन से आया हूँ इनके, तो समथिंग इज डिफरेंट। तो अभी क्या लग रहा है? डिफरेंट लग रहा है, बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है और अलग सी चीज़ है, बहुत जबरदस्त लग रहा है, आप भी ट्राई करें इसको। अच्छा, मतलब चिकन से है थोड़ा डिफरेंट? बहुत सारे लोग जिन्होंने बटेर फ्राई नहीं खाया होगा तो बोलेंगे चिकन जैसे फ्लेवर है। नहीं नहीं नहीं, चिकन से थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ, तो ये चेक कर सकते हैं, हमारे सामने ग्रिल जो है वो बटेर लगा हुआ है। नहीं अब्दुल्ला, मुझे तो ऐसा लग रहा है उसमें से, यार मैं कह रहा हूँ यार यहाँ पे ना बहुत अच्छा माहौल है। क्या बात है, इंगीठी के पास खड़े हैं, गरम गरम सा सेक मिल रहा है आपको। ये भाई जो है वो लगे हैं, इनके ही माइक लगाए थे, पूछ ले इनके हाथ के हाथ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? मेरा नाम हयानुर रहमान। हयानुर रहमान भाई, आप दोनों भाई हैं ना? जी जी। ये देख सकते हैं, ये भाई जो है वो माशाल्लाह लगे हुए हैं। और आप तो ये बटेर का यार मतलब हाँ जबरदस्त। के बारे में लोगों को खिलाने का इस ख्याल इसलिए आया क्योंकि मेरा छोटा भाई है वो बटेर की फार्मिंग कर रहा है। वेरी नाइस। तो वो फिर मैं प्रोफेशनली शेफ हूँ। तो फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि जब फार्मिंग कर रहे हैं तो फिर क्यों ना अपनी रेसिपी करके लोगों को बटेर खिलाया जाए। वेरी नाइस। क्योंकि बटेर सिर्फ आपको बूफे वगैरह मिलता है जो वहाँ बहुत एक्सपेंसिव है। जो बात है, जो तो हमने इसलिए लोकल स्ट्रीट पे इसको लेकर आए हैं, लोगों को बहुत मजे के तीन फ्लेवर्स में दे रहे हैं। कौन कौन से फ्लेवर हैं? वो हमारे पास फ्राइड है, क्रिस्पी है और बारबेक्यू। फ्राइड, क्रिस्पी और बारबेक्यू है। और वैसे पर्सनली आपको क्या लगता है लोग ज्यादा क्या पसंद कर रहे हैं? लोग हमारा पसंद कर रहे हैं बारबेक्यू बहुत ज्यादा, और उसके बाद फ्राइड जो चरखा स्टाइल में। फ्राइड चरखा स्टाइल में। अच्छा, ये सर्दी वाला आइटम है मेरे हिसाब से? सर्दी वाला आइटम है, पर कराची की जो शाम है ना वो पूरे साल ठंडी है। जिस तरह कराची के 11 महीने सूप भी पीने आए लोग हैं, सूप भी पीने आए लोग, सूप लोग सर्दियों में नहीं उसके अलावा भी पीते हैं, उसके अलावा भी पीते हैं। अब मैं असल में पता है क्या, सारा गेम आपके बनाने के ऊपर होगा, रेसिपी के ऊपर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। किस तरीके से जो है आप बना रहे हैं और क्या टेस्ट है? ये आप ग्रिल कर रहे हैं? ये ग्रिल कर रहा हूं। ये ग्रिल कर रहे हैं और ये मुझे ज्यादा देखने में जूसी लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। चिकन आप शेफ हैं, आपको ज्यादा बेहतर आइडिया होगा, चिकन, खरगोश, बटेर, ये वो सारी चीजें जो इस कैटेगरी में आती है ना। बिल्कुल। तो ये बटेर थोड़ा ज्यादा जूसी होता है चिकन से? चिकन थोड़ी ड्राई हो जाती है। बटेर हमारा जो है बेसिकली प्रोटीन डाइट है। ओके। तो ये हमारी बॉडी की जो कैलोरीज हैं उनको भी पूरा करता है। और ये चिकन तो एक डिफरेंट मीट है। बिल्कुल। पर बटेर जो है वो बहुत आपकी बॉडी के लिहाज से बहुत अच्छा मीट है। और ये सर्दियों के हिसाब से बड़ा क्लोज कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल बिल्कुल। बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल रखता है। वेरी नाइस।
तो अभी आप जो प्राइसिंग भी आपने काफी नॉमिनल रखी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह की चीजें रखी हैं आप लोग हैं। अच्छा, लोग ज्यादा यहाँ पे खाना पसंद कर रहे हैं या फिर जो है वो लेके जाना पसंद कर रहे हैं? लोग ज्यादा यहाँ पे खाना पसंद करते हैं, गरम गरम यहाँ पे बटेर सर्व हो जाता है और उनको बहुत मजा आ रहा है। और रात में कब तक बैठे हुए? हम लोग 2 बजे तक यहाँ होते हैं रात में। स्टार्ट कब कर रहे हैं शाम में? स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं 7 से 8 बजे तक। 7 से 8 बजे तक, सही है। लोकेशन राइट साइड पे आप देखें तो 5 स्टार है और लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो टूवर्ड ये लंदी कोतल चौरंगी पे रोड जा रहा है और ताहिर विला पे। तो ये बिल्कुल भाई जो है वो पिज़्ज़ा मैक्स के सामने खड़े हैं। भाई भी आ चुके हैं, उनके भी लगा दें जरा। चले जबरदस्त। सप्लाई करते हैं कि मतलब? हाँ, सप्लाई भी हमारी बेसिकली पहले जो स्टार्ट किया था ना वो यही था कि हम लोग ना फ्रोजन मीट की फॉर्म में ना इसको 6 और 12 की पैकिंग में ना जो है ना होम डिलीवरी भी कर रहे थे और होटल वगैरह में जहाँ पे जा रहा होता था वहाँ पे मीट की फॉर्म में जाता था ये। तो अब हमने यही सोचा गया जब सप्लाई हमारे पास है तो क्यों ना डिमांड क्रिएट की जाए। और अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल हमने इनको बैठा, मैं कहा भाई ऐसा ऐसा करके आइटम है इसको क्या कर सकते हैं। नॉर्मली बटेर मिलता है वो हर जगह पे, आपको पता है किसी बड़े रेस्टोरेंट में बुफे वगैरह की फॉर्म में मिलता है, स्ट्रीट फूड में मैंने आज तक नहीं खाया। तो मैंने एक अपने पास से अजम्पशन की कि भाई ऐसे जो लोग होते होंगे जिनको जाके सिर्फ बटेर खाने के लिए वो पूरा बुफे करते होंगे अरेंज, उससे बेहतर है मैं कहा वो आए और सिर्फ बटेर के वो करें और वो करें। चिकन मिक्स भी दे रहे हैं हम लोग वो, क्योंकि आते हैं ना अक्सर ऐसा ग्रुप आता है या फैमिली आती है इसमें भाई मैं बटेर नहीं खाता तो वो चिकन मिक्स ट्राई कर ले, हमारा कोई उसको मसला नहीं है। सावन नाम है। सारी वीडियो देखते हैं जी सर बिल्कुल। आपको कुछ कहना चाहेंगे यार? ये आपका नाम माशाल्लाह से जबरदस्त है, ये इसका मीनिंग्स बताएंगे? पैगाम पहुंचाना है। और देखिए इनका नाम बहुत प्यारा है, मैंने फर्स्ट टाइम सुना, बड़ा यूनिक था, बड़ा अच्छा लगा। तो यार कौन सी वीडियो हमारी सबसे ज्यादा पसंद है? सारी वीडियो अच्छी है, सारी वीडियो बहुत अच्छी है। आप डिलीवरी कर रहे हैं, लेट तो नहीं हो रहे? ये डिलीवरी करके आ रहे हैं ओ। अच्छा तो गाइस मैं फूड ट्राई करके तो बताऊंगा, मगर ऑनेस्टली जो यहाँ की ऑडियंस ट्राई कर रही है ना उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं, वो क्या रिव्यू है। आप लोग खा रहे हैं, मैं सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अभी आप लोग ग्रिल ट्राई कर रहे हैं? जी जी, बारबेक्यू। अच्छा तो कैसा लग रहा है? मतलब चिकन चिकन हम लोग ट्राई करते हैं, ऑलमोस्ट चिकन टाइप का फ्लेवर है, बट वाकई एक बड़ी अच्छी इनोवेशन है। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और एक डिफरेंट चीज है। और बच्चों का क्या फीडबैक है? बच्चों से जरा बातें कर रहा है। मम्मा पर चिकन बना के देती होंगी? यस। तो बटेर कैसा लग रहा है? डिफरेंट लग रहा है, अच्छा लग रहा है या फिर वो सही है? अच्छा लग रहा है और डिफरेंट है। हाँ अच्छा लग रहा है, डिफरेंट है, जूसी है थोड़ा सा चिकन से। yes. है ना? अब मम्मा yes. से कहिएगा घर में जाके ये बना के देंगे आपको। चले थैंक यू सो मच। कौन सा फ्लेवर? क्या चरखा बता रहे थे आप? ये फ्राइड फ्लेवर है, चरखा टाइप का ना। ओके 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 ओके, सही है। ये कितना क्विकली टाइम ले रहा होगा रेडी करने में? 10 से 15 मिनट। नहीं ये देख रहा हूँ ऑलरेडी, आवाम जानती है यार, ये क्रिस्पी वाला जा रहा है। अच्छा आज तो मैं भी लग रहा हूँ थीफ ऑफ बगदाद, आप देख सकते हैं फुल। ये देखे भाई, ये देखे जा रहा है। लोग जानते हैं अभी बड़ी मशहूर वीडियो हमारी गई हुई है नेशवेल की, नेशवेल फ्राइड चिकन के अंदर। अच्छा ये इसने मुझे रिप्लेस किया है भाई। देखिए अब जो है ना इसके 50 रुपए कटेंगे और एक्टिंग की, ठीक है? अब आप लोग मुझे कमेंट में गालियां नहीं देंगे, अश्वंत को देंगे, ठीक है? बारबेक्यू बारबेक्यू चेक करें यार। ओए ओए ओए। अच्छा ये डायरेक्ट ग्रिल पे जाएगा? नहीं बारबेक्यू तुम बनाओ, मैं खासे करोगे बारबेक्यू। ये भाई डायरेक्ट ग्रिल पे जा रहा है यार। ये देखिए ये जा रहा है बारबेक्यू बटेर, ओह मसाले से भरपूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कितने दिन में रेडी होगा? ये 15 मिनट। 15 मिनट बारबेक्यू में टाइम लगता है ना? बारबेक्यू में टाइम लगता है, उसकी क्या वजह है स्पेशली? वजह ये कि बटेर का जो चेस्ट पीस है ना उसका मीट थोड़ा आराम से पकाना पड़ता है। और ये जो है ये तोड़ो तुम, तोड़ो दा, तोड़ो चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टांग तोड़ दो इसकी। हां तोड़ो तोड़ो भाई। ओहो टांग तोड़ दी भाई। होता बिल्कुल चिकन की तरह है मगर साइज थोड़ा छोटा है। ट्राई करो, ऐसे ट्राई करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखे भाई। यार अश्वंत को टांग दो यार, ये बटेर की टांग दो अश्वंत को। बटेर ट्राई करो, ट्राई करो अश्वंत, टांग तोड़ ले इसकी। अब्दुल्ला नसीब में चेस्ट आया भाई, क्या बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ओए होए, मैं तो हल्का ले रहा था यार। नहीं ये वजन में हल्का है, क्वालिटी में बाप है भाई। वाकई वाकई
हाँ कौन क्या कह रहे हो यही, ये तो मुझे लग रहा है कोई तंगड़ा बटेर है। हाँ वरना मैंने लोगों ने ट्राई करे बटेर मगर उसमें बटेर नजर नहीं आ रहा था, ये तो बड़ा कोई तगड़ा बटेर है यार। यार ये तुम्हारे नसीब में आ गया है तगड़ा बटेर। खाने खाने दाने पे लिखा है खाने वाले का, ये जो बात है मतलब मैं बटेर का जो फ्लेवर एंजॉय कर रहा हूँ ना यार। अब मैं सीना जो है ना, मैं और अश्वन ले रहे हैं सीना। हाँ पहले टांग खाना मैंने और अश्वन ने सीना ले लिया। अश्वन हाफ हाफ कर लेते हैं इसको। अच्छा ये जो है ना सही कह रहे हो, थोड़ो चिकन से बिस्मिल्लाह बिल्कुल सिमिलर नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी थोड़ा जूसी है। क्रंची जो बटर है ना, जो फ्लेवर है ना मसाले का, ये मसाले देखेंगे। अच्छा उसका अलग मजा है, क्रंची का करंची बटेर का अलग मजा है। मसाला लग रहा है मुझे कोई यार, इसका एक अलग फ्लेवर आ रहा है। सॉस भी आपका डिप भी अच्छा लग रहा है। अच्छा ये देखो इसका जो है ना बिल्कुल ही अलग टेस्ट है। ओहो इस पर ये जो है ना तुम्हें ये नहीं नहीं अश्वन यार नहीं मगर कुछ छोड़ देगा तो इस पर कुछ मिल जाएगा अश्वन। तो भाई फ्राइज की क्वालिटी चेक करें। यार ग्रिल आ रहा है मेरा, मैं ग्रिल ट्राई करूंगा उसके बाद बताऊंगा कि फ्राई वाला ज्यादा अच्छा लगा है ग्रिल का। मगर नहीं यार ये तो दोनों अभी फ्राई तो कह रहे हैं कि हाथ नहीं रोके। इसपन जो है वो ट्राई करने में लगा हुआ। अच्छा हमारी जो एक्सक्लूसिव हमारी जो कॉम्बो चल रही है ना भाई, बारहवीं क्यों आ गया भाई यार ये। हाँ मैं दिखाता हूँ ओहो पलटाऊंगा। ये मसाला बहुत लश है यार, जान डाल रहा है। मैं इसकी जो है ना ये दिखाता हूँ, एक टांग तोड़ दो जरा इसकी, मुझे एक काम छोड़ दो बंडा अश्वन मुझ पे, फिर वो जो है ना लगा देगा एलिगेशन कि मैंने खा लिया सारा। फोकस कर लिएगा आप, फोकस में ही रहे। मैंने टेस्ट कर लिया। अच्छा अबे यार ग्रिल ग्रिल यार, अच्छा ग्रिल यार ग्रिल फिश ग्रिल, आपने सारी चीजें बारबेक्यू तो ट्राई किया होगा यार, ये बटेर में फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। और ना पूछो यार इसका क्या टेस्ट आ रहा है भाई, टेस्ट बर्ड्स की इसने ना चार चांद लगा दिया। चिकन विंग, चिकन विंग सेकंड। अच्छा चिकन विंग्स भी आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे होते हैं कि खाली बटेर नहीं यार। इस पर तुम अगर नहीं आओगे ना तो खाली तुम्हारे नसीब में चिकन विंग्स आएंगे। यू ट्राई करो। ओहो ये देखिए देखिए भाई, अश्वन अश्वन को ट्राई करा दो। अश्वन ने हार मान ली, कह रहे हो अपने अलग से लगवा दी है। ये अश्वन ने कहा कि यहाँ नसीब में नहीं आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओहो अश्वन मैं तुम्हें ट्राई करवाऊंगा, तुम बेफिक्र हो। अश्वन गरम बटेर और सर्दी में तो ये यार शेफ आपके हाथ में कमाल है यार, जबरदस्त यार। चिकन विंग्स आ गए अब, मुझे लग रहा है आप खुद भी थोड़ा चटपटा खाने वाले शौकीन लग रहे हैं मुझे। और ये चिकन विंग्स पे यार थोड़ा सा मसाला मसाले की टॉपिंग कर रहा हूँ भाई मैं। चिकन विंग्स जो है गरम गरम शेफ ने दे दिया। ये पकड़ो, ये पकड़ो, मजा है गरम गरम ही है। ओहो ये मैं वाला चाट रहा हूँ, लिटरली अमेजिंग। आप ये देखें, ओहो गरम गरम चिकन विंग्स भाई, और मसाला मैंने लगा दी। ओहो बटेर है कौन सा, मतलब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ट्राई कर लेते हैं यार इनके चिकन विंग्स, देखते हैं कि इन्होंने इसमें कुछ जादू दिखाया है अपना। और ये मैंने चिकन विंग्स जो है ना इनकी सॉस से लगा लिया, अब ये देखते हैं कैसा है। आपको चिकन विंग्स में एक फ्लेवर आ रहा है, मैं जरा उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो सीक्रेट है, ये क्यों पकड़ेंगे आप, ये कोई भी नहीं पकड़ सकता। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, हाँ डिफरेंट है यार, बहुत अलग सा वाकई, एक अलग सा फ्लेवर आ रहा है। अच्छा तंपूरा और उसका सी फूड और उसका कोई
एक बीच का कॉम्बिनेशन आ रहा है मिलके। सी फूड की तरफ कुछ लेके जा रहा है मुझे, पता नहीं इससे सरप्राइज क्या है। ओहो अच्छा, हमारी जो ऑफर है इसमें आपको दो कोई सा भी बटेर और एक विद वन लिमका आपको मिल जाएंगे 410 रुपये में। और यार भाई फैन हो गया मैं इनका। हम जब हम निपटाते हैं इसको, ये इस पर पूछ रहा है कौन सा है भाई, इसमें की रिकमेंडेशन पे बारबेक्यू। बारबेक्यू मेरा भी बिल्कुल नहीं, मेरा जो है इनके जो वाइट टेम्पुरा वो हो, मेरा भी वाइट टेम्पुरा होगा। बारबेक्यू का सीन ऐसा है कि बारबेक्यू और इनकी सॉस जो है चटपटे की तरफ लेके जा रहा है। खाना आप सर्व कर रहे हैं ना, तो ये स्टेट स्टाइल खाना तो नहीं है लिटरली, ये अच्छी जगह बैठ के खाने वाला खाना है जो है वो अस्पताल बड़ा जबरदस्त से आगे और भी आने वाली है। तो चलते हैं फिर आगे डोनेसल के पास से हम गुजर रहे हैं। इस वक्त डोनेसल खाने का हमारा कोई इतना मूड नहीं है क्योंकि हमने इतना जबरदस्त तगड़ा स्टार्टर खा लिया। डोनेसल पे एक ही आवाज बार-बार आती है, कड़क कड़क। तो अब्दुल्ला क्या मूड हो रहा है यार? यार चाइनीज देखते हैं, चाइनीज देखें। हां ओहो फिश, या देखें यार फिश, एक मिनट देखें, ये फिश है हॉट एंड रोल की, देखें फुल खा लेते हैं। फिंगर क्या चल रही है? भरपूर 1300-1200 ये है किस चीज का? सुरमई है वाकई में। और ये वाली मुश्का है, ये क्या दे रहे हैं? और वो 1300 रुपए। एक मिनट यार मसाले की बेहरमती है अगर नहीं डाला इस पे। सही बात है, ये बात भी सही कह रहे हो तुम। फिश को तोड़ो, तोड़ो। ये वाकई ट्राई करो जो कह रहे हैं गोश्त दिख रहे हैं बिल्कुल। ये देखें भाई, ये देखें, ये देखो अश्वन खींचो। जरा चटनी लगाएं या पहले बगैर चटनी के? हाँ पहले बगैर चटनी के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए होए होए, कुछ नहीं आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बताइए वहाँ के यहाँ के फर्क है? बहुत फर्क है क्वालिटी में। वहाँ अंकल सही कह रहे हैं, अंकल सही कह रहे हैं। ये प्लेट पकड़ो, ये देखें बिल्कुल क्या बात है। थोड़ा सा चटनी लगा के मिर्ची। अच्छा ये मिर्ची की क्या साइज है? अब मैं चटनी लगा दूं, मिर्ची खा ली भाई। ओहो चटनी ऑफ कर रही है, फिश ऐसी अच्छी लग रही है, फिश रुकी है। डायरेक्ट खाने वाली डायरेक्ट या मसाला? वाकई अब्दुल्ला पैसे वसूल हैं, असल से वो टक्कर ज़्यादा दे दिए। ये बात है, आए हैं रॉक एंड रोल बारबेक्यू, उनकी शॉप है, सी फूड का लगा हुआ है स्टॉल, मछली के काफ़ी रेट्स हैं। अंकल का नाम क्या है? अंकल आपका नाम क्या है? असलम नाम है। असलम भाई, असलम भाई के पास आए। तो नेम क्या करें, एंड क्या करें? एंड ये है कि यार मीठा, हम मीठे से करते हैं बिल्कुल, फली का हमें जो सर्दियों की सौगात है वो मिल गई है। ये रही पल्ली पाक, पल्ली पाक का तो मेरे ख्याल से कराची का हर बंदा जानता होगा। हाँ ऐसा ही है, ये तो अब सर्दियों की सौगात है, हर जगह पे अवेलेबल है, पर टेस्ट देखते हैं भाई का कितने का है। ये दिखाइएगा भाई, ये रही। ओ, ये भाई ये कितने की चली है? 30 रुपए की, पहले हम खाते थे 10 रुपए की ना, 20 रुपए की। खोपरे वाला ये भी 30 रुपए की खोपरे की। तुम्हें जो खाना है तो पहले तुम वो बोलो, अभी मेरी थैली में तो नहीं, तुम बोलना अब्दुल्ला यार थोड़ा सा शेयर कर दे। नहीं मैं करवा दूंगा, वैसे मस्त मजाक कर रहा हूं मैं, खोपरा बिल्कुल। ये चेक करें भाई, वाह हा, ये गरम-गरम हमारे सामने तवा लगा हुआ है और यहाँ पे जो है वो भाई बना रहे थे और ये इन्होंने अभी। और यार आप ये देखें, कलरफुल देख रहे हैं, जरा थैली से बाहर निकाल के दिखाओ। ये देखें कलर, देखें आप खोपरा आप खोपरा खा के देखें।
क्यों ये लिया नहीं मैंने यार, खा के देखो यार, ये दो मुझे, ये खाते हैं लोग, लोग वो भी खाते हैं। अच्छा यार मिठाई लग रही है, खाओगे आप? अब खाओगे ना? हाँ अच्छी लग रही है, देखने में लग रहा है कि पता नहीं क्या है ये, लग रहा है। तो भाई इसी मीठे के साथ असमंत कैमरे के पीछे हैं, ये हम दे देंगे उनको, ठीक है, इसी अपने पन के साथ अपने नाज़रीन से इजाज़त लेने। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे नईम को, इसमन को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगरान।